नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी स्पेशल जीके सीरीज में, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त मोहित रांटा और मैं आपके लिए आज जो वीडियो लेकर आया हूं उसमें हम बात करने वाले हैं सिंगल लाइनर क्वेश्चंस के। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उनमें से अगर कुछ रह गए हैं तो उनको मैं ये सिंगल लाइनर में लेकर आया हूँ। तो ये 400 से 500 के करीब क्वेश्चंस है जो कि हम 3 वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो आज की वीडियो है इसमें हम 100 से 150 के करीब क्वेश्चंस लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ पर जाके चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो की या किसी भी वीडियो की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, वहां मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल से पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है, कहलूरी किस क्षेत्र की भाषा है? तो कहलूरी कहां की भाषा है? कहलूरी है कहलूर की। कहलूर कहा जाता था, बिलासपुर का पुराना नाम था कहलूर, तो बिलासपुर इसका आंसर है। नेक्स्ट यहां पर है, मंडी जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? तो मंडी जिले में मंडियाली बोली जाती है। नेक्स्ट यहां पर है, किस जिले में महासुई बोली जाती है? तो महासुई जो क्षेत्र था उसको अलग करके बनाया गया सोलन जिला, तो शिमला और सोलन में महासुई बोली जाती है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, नेक्स्ट यहां पर है, पहाड़ी भाषा की क्या लिपि थी? तो पहाड़ी भाषा की लिपि क्या थी? पहाड़ी भाषा की थी टांकरी। नेक्स्ट यहां पर है, हिमाचल प्रदेश में कितनी उपबोलियां हैं? तो उपबोलियां कितनी है? यह है 36 टोटल। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर है, किसने अपने भाषाई सर्वेक्षण में हिमाचल की बोलियों को पश्चिमी पहाड़ी बोलियां कहा है? जो उत्तरांचल के जौनसार भावर से जम्मू के भद्रवा तक फैली हुई है, तो ये कहा है जॉर्ज गियर्सन ने। हिमाचल प्रदेश की जो लैंग्वेजेस है उन पर काफी रिसर्च की है और इन्होंने इस पर एक बुक भी लिखी है। आपने हमें ये बताना है इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, तो ये है जॉर्ज गियर्सन। नेक्स्ट यहां पर है, पटनी बोली किस जिले में बोली जाती है? तो ये लाहौल स्पीति में बोली जाती है पटनी। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर है, सिरमौर के चूड़धार पहाड़ियों की बोली कौन सी है? तो यहां पर है गिरिपारी और विश्वाई बोली। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, नेक्स्ट है सिरमौर की चूड़धार की बोलियों के बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट यहां पर है, धारटी जो बोली है ये सिरमौर की बोली है, बड़ी जो है ये कोटखाई और रोडू की बोली है, और कोची जो बोली है ये रामपुर बुशहर कोटगढ़ कुमार सेन की बोली है। नेक्स्ट यहां पर है, कुल्लू की बोली कौन सी है? कुल्लू की बोली कुल्लवी है। नेक्स्ट यहां पर आ जाता है, जॉर्ज गियर्सन के अनुसार कहलूरी बोली कहां की है? तो ये बिलासपुर की है। जॉर्ज गियर्सन ने कौन सी बुक लिखी है? इन्होंने लिखी है भारत का भाषाई सर्वेक्षण। नेक्स्ट यहां पर है, कहलूरी बोली पंजाब से उत्पन्न हुई है, यह निष्कर्ष किसने निकाला? तो इस पर बुक किसने लिखी थी? जॉर्ज गियर्सन ने। तो जॉर्ज गियर्सन ने ये निष्कर्ष निकाला है। नेक्स्ट यहां पर है, किन्नौर की बोलियां कौन कौन सी है? तो यहां पर देखिए, संगनोरी, सुमनो, किन्नौरी। किन्नौर के 75% लोग जो है वो होम्सकार नाम के प्रसिद्ध किन्नौरी का प्रयोग करते हैं, तो ये किन्नौरी बोलियां हैं। यहां पर लाहौल स्पीति की बोली कौन सी है? तो इसमें है मानचेद है, चांगसा है, फिर आती है आपकी गोहरी, भेटी और गाहड़ी गाहड़ी। नेक्स्ट यहां पर है, मलानी जो है, मलानी क्या है? ये कुल्लू के मलाना गांव की बोली है मलानी। नेक्स्ट यहां पर है, पहाड़ी भाषाएं पेशाची अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, यह कहा, ये किसने कहा है? ये कहा है जॉर्ज गियर्सन ने। नेक्स्ट यहां पर है, टांकरी लिपि ये प्रसिद्ध थी, किन के बीच कौन इसको यूज करते थे? तो ये करते थे बनिए, मुनीम, सूद और दुकानों में ये दुकानदारों के द्वारा यूज की जाती थी टांकरी लिपि। टांकरी लिपि की उत्पत्ति हुई ये कहां से हुई? ये हुई शारदा लिपि से, ठीक है जी। टांकरी लिपि लिखी जाती है, ये कैसे लिखी जाती है? ये लिखी जाती है दाएं से बाएं को। नेक्स्ट यहां पर है, नेक्स्ट है, तीनान किस घाटी की भाषा है? तो तीनान कहां की भाषा है? यह है चंद्रा घाटी की, जो कि है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट यहां पर है, हिमाचल प्रदेश में प्राचीनतम निवासियों की भाषा कौन सी थी? तो यह थी कोलारिया, तो कोलारिया यहां की प्राचीनतम भाषा थी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट यहां पर है, बुढ़ा क्या है? ये नृत्य की बात कर लेते हैं। बुढ़ा क्या है? बुढ़ा एक नृत्य है और ये सिरमौर का लोक नृत्य है। नेक्स्ट यहां पर है, मोहना कहां का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो ये बिलासपुर का है। कुंजू चंचलो कहां का है? ये चंबा का लोकगीत है। इसके बाद झांझर किस जिले का लोक नृत्य है? तो ये चंबा का लोक नृत्य है। और करियाला किस जिले का लोक नृत्य है? तो ये शिमला का है। नेक्स्ट यहां पर है, छांब किस जिले का लोक नृत्य है? छांब है यहां पर किन्नौर का लोक नृत्य। नेक्स्ट आता है यहां पर, सिरमौर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो सिरमौर का है बुराहा। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, उस गाने का क्या नाम है जिसमें चंबा की रानी
सूही के बलिदान की कहानी चित्रण है। तो सूही जो सूही मेला लगता है, ये लगता है चंबा की रानी नैना देवी जो कि साहिल वर्मन की पत्नी थी उनके नाम पर, तो इसे कहा जाता है सुकरात। नेक्स्ट यहां पर है राजा गद्दा गीत क्या है, तो ये राजा संसार चंद द्वारा गद्दी सुंदरी नोकू को फुसलाने का गीत है। नेक्स्ट यहां पर है बिलासपुर का वह गीत जो अपने भाई के लिए खून का जुर्म अपने सिर पर लेने वो फांसी पर चढ़ने का वर्णन करता है, तो ये है मोहना गीत। नेक्स्ट यहां पर है मुखौटा नृत्य 8वीं सदी में किस घटना का वर्णन करता है, तो ये लामाओं द्वारा निर्दयी राजा लांगधर्म की हत्या की, तो इसकी ओर ये इशारा करता है। मुखौटा नृत्य 8वीं सदी की किस घटना का वर्णन करता है, लामाओं द्वारा निर्दयी राजा लांगधर्म की हत्या की योजना की सफलता का, तो ये इसका वर्णन करता है। नेक्स्ट यहाँ पर है जमाकड़ा कहाँ का लोकगीत है, तो ये कांगड़ा जिले का है। नेक्स्ट यहाँ पर है छुहारा नृत्य किस जिले से संबंधित है, तो ये किन्नौर जिले से है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है किन्नौर के लोक नृत्य कौन कौन से है, तो यहाँ पर देखिए बाक्यांग क्यांग और बोंगियाछू, तो ये जो है ये किन्नौर के लोक नृत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पर है कुल्लू का लोक नृत्य, तो कुल्लू का लोक नृत्य है कथड़ी। नेक्स्ट यहाँ पर है कांगड़ा का लोक नृत्य, तो ये है झमाकड़ी। ठीक है, लोकगीत गंगी है ये क्या है, ये कहाँ का है, ये है बिलासपुर का। शिमला का लोक नृत्य क्या है, जो शिमला के लोक नृत्य है इनमें आता है विशु घाटी नारी हार और तथारली, तो ये आते हैं शिमला के लोक नृत्य। महासू का लोक नृत्य कौन सा आता है, तो ये है छुहारा। नेक्स्ट यहाँ पर है चंबा का लोक नृत्य क्या है, तो झांझर डांगी फूल यात्रा घरेई नृत्य, तो ये जो है ये चंबा के लोक नृत्य है। नेक्स्ट आता है बुढ़ासी क्या है, ये रोहड़ू का लोक नृत्य है बुढ़ासी। इसके बाद आता है लाहौल का लोक नृत्य क्या है, तो इसमें है बाल्टी दरांग उत्सव के पुरुषों के लिए, तो दरांग जो उत्सव है इसके बारे में हमने बात की थी, तो ये पुरुषों के लिए, तो ये बाल्टी ये लोक नृत्य है लाहौल स्पीति का। ठीक है जी, इसके बाद आता है झूरी लोकगीत किस जिले का है, तो ये शिमला का है। इसके बाद है ठोस नृत्य कि मैं अस्त्र शस्त्र है, तो इसमें धनुष बाण है, तो ये ठोस नहीं है ये ठोडा नृत्य है, तो ठोडा नृत्य जो है इसमें जो अस्त्र शस्त्र है वो धनुष बाण है, तो ठोडा नृत्य कहां पर होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट बात करते हैं किन्नरों के विषय में किस महाकाव्य में वर्णन मिलता है, तो ये मिलता है महाभारत में। इसके बाद है सिरमौर और शिमला के कुछ परंपरागत परिवार अपने आप को कौरवों का वंशज मानते हैं, इन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं शाठा। तो नेक्स्ट यहां पर है पंगवाल जनजाति किस जिले में निवास करती है, तो ये पांगी में चंबा के पांगी में। नेक्स्ट यहां पर है हिमाचल प्रदेश की पुरानी जनजातियों को क्या कहते हैं, तो इन्हें दस्यु कहते हैं। चंबा की भेड़ चराने वाली जनजातियां जो है उनको कहते हैं गद्दी। नेक्स्ट यहां पर है हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में घूमने वाले चरागाहों को कहते हैं गुज्जर। अगला यहां पर है लाहौली लोग किस प्रजाति के हैं, तो लाहौली लोग जो है ये मंगोलॉयड है। नेक्स्ट यहां पर है गद्दी लोग किस जिले में पाए जाते हैं, तो ये चंबा जिले में पाए जाते हैं। अगला यहां पर है गद्दी जनजाति के लोग किस नदी की पूजा करते हैं, तो ये करते हैं रावी की। देखिए हिमाचल प्रदेश के गुज्जरों को मध्य एशिया की किस नस्ल से जोड़ा जाता है, तो ये हूण से जोड़ा जाता है। राजपूत के बाद हिमाचल प्रदेश का दूसरा बड़ा समूह कौन सा है, तो ये है ब्राह्मण। फिर आता है यहाँ पर चंबा की जनजाति कौन सी है, तो चंबा में एक तो गद्दी है दूसरी पंगवाल है तीसरी यहाँ पर गुज्जर है, तो ये चंबा की जनजाति है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आता है ये है झंझराड़ा किसका प्रकार है, तो ये है विवाह का, तो विवाह के बारे में बात कर लेते हैं, तो झंझराड़ा है विवाह का प्रतीक। फिर आता है कुंडला क्या है, कुंडला है एक लकड़ी का कटोरा। नेक्स्ट आता है नारी वेशभूषा में मोतीदाना बटन अंगूठी बंगे और फिर आता है कांदरी डोडमाला और जंतर किस क्षेत्र में पहने जाते हैं, तो ये पहने जाते हैं पांगी में। गाय की पूजा किस उत्सव में की जाती है, तो ये की जाती है बहुला उत्सव में। फिर आता है धानती किन्नौर जिले में किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं देसी शराब को धानती, तो ये याद रखिएगा। घूंट और गोमूत्र रस्म किससे जुड़ी हुई है, तो ये जुड़ी हुई है जन्म से। फिर आता है सिरगुंडी रस्म किस जिले में शादी के दौरान होती है, तो ये कांगड़ा में होती है। नेक्स्ट यहां पर है सजन मिलन लागे मिली के खिडन लागे, यह गीत यह जो कांगड़ा का विवाह गीत है ये किस समय गाया जाता है, तो ये गाया जाता है विदाई के समय में। फिर आता है छांग क्या है, छांग क्या है, छांग लाहौल स्पीति का पेय है एक देसी शराब है। ठीक है जी, फिर आता है नेक्स्ट किन्नर लकड़ी जो बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहा किन्नर लड़की जो बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जोमो। ठीक है जी, इसके बाद आता है किनौरी
किन्नौरी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले ऊनी पजामे को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जमुसूतन। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर है किन्नौरी औरतें जो एक तरह की ऊनी साड़ी पहनती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं धोरू। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट कुछ इस तरह से है, नेक्स्ट है चोंगसे क्या है? तो ये क्या है, ये एक नीची मोड़ी जा सकने वाली मेज जिस पर लोग चाय पीते हैं, चाय पीते हुए पालथी मारकर बैठते हैं। फिर आता है लड़की की शादी के समय में बालों को संवारने की रस्म जिसे कि सिरगुंडी कहा जाता है, ये किस जिले में मुख्य रस्म है? तो ये है कांगड़ा जिले में। फिर है लाहौल में जनजाति कौन सी है? तो ये आता है लाहौल जनजाति, तो ये है स्वजाति विवाह एवं बहुपति प्रथा को मानती है। फिर आता है किन्नर जनजाति, तो यहां पर क्या है, बहुप्रति प्रथा को मानती है। फिर आता है त्यूरी जाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो इनका है गाना और बजाना। नेक्स्ट यहां पर है दरोश और दबवब, दरोश और दबदब नयामाश दोपांग विवाह किन्नौर में किस प्रकार का विवाह है? तो ये जबरदस्ती का विवाह है। नेक्स्ट यहाँ पर है कनेत जाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पूर्वी हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश में कौन सी जाति सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है राजपूत। भट्टी गहलोत तोमर ये किस जाति के हैं? ये राजपूत जाति के हैं। कटोच उपवंश की जातियां कौन सी है? तो ये है गुलेरिया जसवाल और डडवाल। नेक्स्ट यहाँ पर है किस जिले में भ्रातृ अनेक प्रति प्रथा होती है? तो ये है किन्नौर में। इसके बाद आता है किस जिले में अंतिम किस जिले में अंतिम संस्कार जैसे डुम्बत पानी में बहाना, फुंकत जलाना और भंकत चील इत्यादि को खिलाना पालन किए जाते हैं? तो ये किन्नौर में किए जाते हैं। इसके बाद है तलाक को लाहौल क्षेत्र में क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कुपाछा। तो ये भी आपको याद रखना है। स्पीति की नामखन प्रथा किससे जुड़ी हुई है? तो ये है फसल कटाई से। नेक्स्ट यहां पर तो स्पीति की जो नामखन प्रथा है ये किससे जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है फसल कटाई से। सो गाइस ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया करके अपने दोस्तों के साथ इसको सोशल मीडिया पर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद ना आई हो तो आप डिसलाइक करें और साथ में कमेंट भी कर सकते हैं, हमें इसमें किस तरह के सुधार करने चाहिए वो सुझाव भी आप इसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं आपके लिए बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। आप अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक करें, चैनल को जो बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करें।